अगर तुम मेरी माँ हो तो, और मैं सूर्य पुत्र हूं आपके कथन के अनुसार, तो तेरे पास तो अनेक मौके आए थे। तेरे पास एक वो भी मौका आया था जब पांचाल देश में उस मीन को बींधने के लिए मैंने धनुष बाण उठाए तो उसी सभा में बैठी हुई थी और द्रौपदी ने यह कहकर के मेरा अपमान कर दिया था कि तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी, इस बाण को थाम बता पहले और फिर बींधिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। करण, किस समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, किस समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। हाँ? हमारा समय ऐसा चल रहा था महारानी कुंती। हाँ? तेरे पास तो और भी मौका आया था कि उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे। किस दिन? उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे। हाँ? सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे। अच्छा? अरे आगे बढ़ के दुर्योधन ने, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और रात आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे और शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। मैं दुर्योधन की तरफ था, दुर्योधन की तरफ हूँ और दुर्योधन की ही तरफ रहूंगा। मैं ना तो तेरे साथ चलने वाला हूँ और ना तुझे माँ कहने वाला हूँ। तो करण, मैंने सुना है कि सूर्य उदय होने से पहले अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई आता है तो तुम उसे खाली हाथ नहीं भेजते। यह बिल्कुल सच है। तो आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ बेटा। मेरे पास तो जो भी आता है वो मांगने के लिए आता है। फिर भी महारानी कुंती कहिए क्या चाहिए। क्या तुम मुझे दोगे? अगर आप मेरे प्राण भी मांगोगी तो वही भी इस दानीकरण के यहाँ से तुम्हें मिलेंगे, मन नहीं करूंगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो तुम उस पापी दुर्योधन का साथ छोड़ो। महारानी कुंती, सूर्य चंद्रमा बदल सकते हैं, आकाश और पृथ्वी उलट पुलट हो सकती हैं। अच्छा? वायु अपना वेग छोड़ दे, अग्नि अपना तेज छोड़ दे, जल अपनी शीतलता त्याग दे, ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ दे, पर यह संभव नहीं है कि करण दुर्योधन का साथ छोड़ दे। तो करण, अगर तुम उस पापी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहते तो तुम्हारे पास में गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण है, उन्हें मेरी झोली में घाल दे। करण, उन्हें मेरी झोली में घाल दे। पांच बाणों का दान लेने के लिए आई हूं। हाँ महारानी कुंती, अभी तो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मैं तेरा बेटा हूं। हाँ? अभी तो कह रही थी कि मेरे 5 नहीं 6 बेटे हैं। 6 बेटे हैं? अभी तो कह रही थी कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं। हाँ? तो फिर एक बात बता कि इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है। अच्छा साथियों, 4 लाइन कह रहा हूं, आज बात अच्छी लगे, सुनने वाले लोग बैठे हैं तो बताना तालियों से सुनने के बाद। इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है। हाँ? और जिन बाणों का गर्भ मुझे वो बाण मांगने आई है, जब 6 बेटे हैं तो क्यों 5 के प्राण मांगने आई है। अरे बाणों का तो नामकरण की जान मांगने। नहीं करण, ऐसा नहीं है। ले जा 5 बाणों को। एक वचन और देता हूं, रणभूमि में तेरे 4 पुत्रों को तो मैं मारूंगा नहीं, जा। लेकिन अगर अर्जुन मेरे सामने आएगा तो उसे बख्शूंगा नहीं। परंतु महारानी कुंती, अगर मैं मर गया तो अर्जुन बचेगा और अर्जुन मर गया तो मैं बचूंगा, तेरे 5 के 5 रहेंगे, तेरी गिनती कम नहीं होने दूंगा, जाओ। करण, जब तुम अपने मुख से बार बार मुझे महारानी कुंती कहकर के संबोधित करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे चाहे तो इन 5 बाणों को वापस ले ले, अरे चाहे मेरे प्राण ले ले, लेकिन एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे बेटा, माँ कह दे। करण, दिया हुआ दान वापस नहीं लिया करता। जब दान दिया और दुख माना, वह दान ही क्या, वह दानी क्या, और जिस दान की महिमा समझी नहीं, नहीं दान दिया वह प्राणी क्या। दे दिया दान जब हाथों से और मन के उसके कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। महारानी, आपको मैं माँ तो नहीं कह सकता,
पर आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। क्या? सुन कहिए। अरे मानो किसे और जिसमें हो और गहराई धर्म युधिष्ठिर तै मत कहिए अकतरण तुम्हारा ए भाई री हो तुम्हारा भाई मैं तो उसे समंदरे मानो जिसमें हो गहराई धर्म युधिष्ठिर तै मत कहिए छतावेगी जो एक बे खुल जा बात के सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत के सूर्य ग्रहण सा हो जागा दिन की बदलेगी रात के राज पार्टी और बहु बेटा ते तो बैठेगी हाथ दिखे हो तो बैठेगी हाथ दिखे और अपने हाथा अपने आगे रख कर ले खड़ी दवाई धर्म युधिष्ठिर ते मत कहिए कर तुम्हारा कुंती हाँ। इस दिल की गांठ को खोलूं तो किसके सामने मेरी बातों की कदर करने वाला इस धरती पे है कौन मैं हूं करण नहीं तुम आज बताने आई हो कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं ओ महारानी अफसोस होता है मुझे अगर थोड़े दिन पहले बता दिया होता तो सुन मैं क्या से क्या कर देता क्या कर देता और पहले खुल जा ओ पहले खुल जा भेद अगर यो जाल रचाने नहीं देता जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता चाहे इंदर करता चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं तो हाथ लगाने ना देता हाथ लगाने नहीं देता और इतनी कह के करण बलि की ना भर के छाती आई धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए करण तुम्हारा भाई री हो करण तुम्हारा भाई शायद तेरे दिल में एक बात होगी क्या कि अब तक ये भेद नहीं खोला तो इतने कष्ट भोगे हाँ करण अब तेरे दिल में ये होगा कि अब भेद खोल दूं हाँ लेकिन अगर तूने अब भेद खोल दिया तो क्या होगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा क्या होगा जो डोल के मंजिल तट आगे वो डुले डुलाए रह जाएंगे हृदय अंदर घाव छुले
वो छुले छुलाए रह जाके बलवानों के बाण जंग में तुले तुलाए रह जाके। और अगर सुनने वाले और शब्दों की कदर करने वाले बैठे हो, बड़े गजब की लाइन है अगर बात अच्छी लगे। और ये बलवानों के बाण जंग में तुले तुलाए रह जाके, फिर तेरी बहू के तेरी बहू के बाल जगत में खुले खुलाए रह जाके, हो खुले खुलाए रह जाके। और तेरी भी क्या मेरी भी रा इसमें मान भलाई, नरम बिस्तरे से मत कहिए करे तुम्हारा भाई भी हो करे तुम्हारा भाई। खुल जागा ते ने मोर धर्म उठ जागे, एक बोल में ही पता नहीं किस किस के प्रण टूट जागे, कुछ मरे कटारी मारे और कुछ विष के घूट घूट जागे, मुझते पहले तेरे भीम बलि के तन ते प्राण छूट जागे, हो तन ते प्राण छूट जागे। और पूरा प्रण करन खातर वो बैठे आस लगाई, धर्म बिस्तर से मत कहिए करन तुम्हारा भाई री हो करन तुम्हारा भाई। झंझट ने सुनिए महारानी कहिए, मैं भी धर्मराज युधिष्ठिर को जानता हूँ। अच्छा। और ये दुनियादारी के झंझट ने वह मान के झूठ बैठ जाता, इज्जत और आबरो की वो सह के लूट बैठ जागा, इन बाता का जिक्र राज बल भर के घूट बैठ जागा, फिर पता नहीं कहे लड्डन सिंह किस करवट ऊंट बैठ जागा, करवट ऊंट बैठ जागा। करण अब मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ। अब आप जा भी सकती हैं। नहीं मैं जाऊंगी नहीं। क्या कहना चाहती हूँ, अगर अब की बार तुमने अपने मुख से मुझे महारानी कुंती कहा तो मैं यहीं पर कटारी मार के मर जाऊंगी, यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। या तो अपने मुख से मुझे माँ कह दो वरना मैं तुम्हारी चौखट पर यही दम तोड़ दूंगी। और जब ऐसा प्रण किया सजनों तो करण लाचार हो जाता है, अंत में माँ को विदा करते हुए क्या कहता है, पता नहीं कहे लड्डन सिंह किस करवट ऊंट बैठ जागा, करवट ऊंट बैठ जागा। और हाथ जोड़ के अरज करूं जो माँ ने
राम युधिष्ठिर ते मत कहिए करण तुम्हारा